हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सीमा है और आपका मॉम्स किचन में फिर से मैं स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए होममेड स्प्रिंग रोल, वेज स्प्रिंग रोल बताने वाली हूँ, जो कि घर के ही चीज़ों से बनी हुई है और घर में आप बनाओगे तो बच्चों के लिए भी अच्छी है और बाहर का किसी भी चीज़ से बच्चों को या बड़ों को नुकसान नहीं होगा। आइए देखते हैं हम स्प्रिंग रोल बनाने के लिए किस किस चीज़ों का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले तो आपके घर में जो भी सब्जियां हो, उन सब को आप महीन महीन काट लीजिए। जैसे मेरे पास जो सब्जी थी, ये बंदा थोड़ा सा मैंने काटा है, गाजर काट के रखी हुई है, छोटी छोटी सी शिमला मिर्च है, टमाटर है और ये प्याज है। एक बाउल में मेरा अदरक और हरी मिर्ची है और थोड़ा सा खट्टापन लाने के लिए मैंने लेमन का यूज़ मैं करूँगी। अब इन सब के बाद उस जो मैं रोल बनाऊंगी वो है मेरे पास एक कटोरी मैदा। इसमें मैं सबसे पहले अपना एक आधा कप मैं इसमें दही डालूंगी। दही डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा नमक का प्रयोग करेंगे और इसमें हम दो चम्मच आपका ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने से क्या होगा कि जो हमारा मैदा है वो थोड़ा सा खसखस हो जाएगा और दही और नमक डालने से जो हमारे मैदे की जो मैदा है हमारा वो फूल जाएगा। उसके बाद हम इसको आपका स्प्रिंग रोल तैयार करेंगे। पहले मैं तेल, नमक और आपका जो दही है इसको मैदा को मिक्स कर लेती हूँ। इसको पूरे अच्छी तरीके से मैश कर लीजिए जिससे कि आपका तेल, नमक और जो आपका दही है वो मैदा में बिल्कुल फिक्स हो जाए। फिर इसको हम थोड़े थोड़े पानी से गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा ये पानी डालिए, फिर धीरे धीरे जब ज़रूरत पड़े तो आप इसमें पानी और डालती जाइएगा और इस मैदे का जो पेस्ट है उसको आप बनाते जाइए। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और मिक्स करती जाइए। देखिए ये मैंने आटा अपना गूंद लिया है। अब ये मैदा जो है हाथों में चिपकती है, चिपकती ज़्यादा है तो इसलिए मैंने अपना थोड़ा सा तेल लगाकर इसको हमने नरम कर लिया जिससे कि मैदा हाथ में ना चिपके और बर्तन में भी ना लगे। अब हम इस आटे को 20 मिनट के लिए सेव करके रख देंगे। बाद फिर जब ये मैदा फूल जाएगा उसके बाद फिर हम स्प्रिंग रोल बनाना शुरू करेंगे। अब हमने अपने गैस पर छोटी सी कढ़ाई रख दी है और इसमें हम 5 चम्मच तेल डालेंगे क्योंकि स्प्रिंग रोल में हमको भरने के लिए अपना पेस्ट तैयार करना है। इसमें अपने हमने हल्का सा जीरा डाला। थोड़ा सा हमने इसमें अपनी हींग डाल दी क्योंकि ये होममेड स्प्रिंग रोल है इसलिए मैं हर चीज़ का यूज़ करती हूँ जो कि मेरे बच्चों को कोई भी चीज़ नुकसान ना करे। उसके बाद मैं अनियन डालूँगी, प्याज और इसको धीरे से हम चला देंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके हम अपनी सारी सब्जियां डाल देंगे। ये मैंने गाजर डाल दी, फिर मैंने आपकी छोटी कटी हुई शिमला मिर्च, उसके साथ ये बंदा और फिर टमाटर। इसको मैं धीरे धीरे चला रही हूँ। फिर मैंने अपना अदरक और मिर्ची डाली है, इसके ऊपर फिर मैंने अपना नमक डाला है स्वाद के अनुसार
मैं सेंधा नमक का यूज़ करती हूँ जो कि शरीर के लिए और बच्चों के लिए भी ठीक होता है। फिर इसमें मैं अपना थोड़ा सा सब्जी मसाला डालूँगी, थोड़ी हल्दी, थोड़ा गरम मसाला, और थोड़ा ही मैं अपना चाट मसाला डालूंगी। चाट मसाला देख के ही डालेंगे क्योंकि पहले से मैं इसमें नमक डाल चुकी हूँ। इसको हम धीरे धीरे चलाएंगे जिससे कि नमक और बाकी के जो मसाले मैंने डाले हैं वो हमारे चिकन फिलिंग में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, जो हम अपने स्प्रिंग रोल में भरेंगे वो फिलिंग बिल्कुल मिक्स हो जाए मसालों के साथ। देखिए जो हमारी जो मैं पेस्ट जो मैं बना रही हूँ उसको ज़्यादा पकाना नहीं है, ये हमको थोड़ा सा कच्चा ही रखना है जिससे कि खाने में बच्चों को अच्छा लगे। आइए इसको मीडियम आंच में ही हमको पकाना है। जितना ये हल्की सी कच्ची रहेगी उतनी ही फिलिंग हमारी अच्छी लगेगी। और अगर इसमें हम चाहें तो सॉस भी ऐड कर सकते हैं, सोया सॉस या फिर टमाटो सॉस। मैं इन सब चीज़ों का सोया सॉस वगैरह का इस्तेमाल थोड़ा कम करती हूँ, इसलिए मैं सादा जो मेरे घर में मसाले हैं उन्हीं का ही हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए अभी भी हमारी जो सब्जियाँ हैं वो खड़ी हुई हैं और इसको हमको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, बस हल्का हल्का सा खड़ा रखना है। आइए अब हमारी फिलिंग जो है वो तैयार हो गई है, अब हम अपने गैस को बंद करते हैं और आगे जो रेसिपी है मेरी स्प्रिंग रोल की उसकी आगे जो रोल बनाने की हम तैयारी शुरू करते हैं। देखिए अब हमारी फिलिंग तैयार हो गई है और ये एकदम से ठंडी भी हो गई है। अब हम अपने 20 मिनट जो आटा हमने फुलाने के लिए मैदा कर रखा था वो भी देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसमें से हम छोटी छोटी गोल गोल लोई ले लेंगे लड्डू सा और फिर इसको हमें पूड़ियाँ बनानी है। इसको साइड से चिपकाने के लिए मैंने एक बाउल में थोड़ा सा मैदा लिया है और इस मैदे में हमने पानी डाल के इस तरीके का घोल एक तैयार कर लिया है, इस तरीके का घोल तैयार कर लिया। अब हम देखते हैं इसको हम एक पूड़ी बनाते हैं, पूड़ी बनाकर किस तरीके से हम इसको अपने स्टेप को भरते हैं, इसको पेस्ट को उस तरीके आप अपने पास से भरिए। तैयार हो गई है, इसको हमने बहुत ही पतली पूड़ी बेली है जिससे कि जब बच्चे या बड़े खाएं तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगे। अब हमारी जो फिलिंग है वो मैं इसमें भरती हूँ, बीचों बीच में ये जो फिलिंग है मैंने भरी है, ज़्यादा नहीं अपनी पूड़ी के हिसाब से भरी है और इसको एक तरफ से धीरे से पूड़ी उठा के इस फिलिंग के ऊपर धीरे से रख दीजिए। और जो ये साइड का जो कोने बचे हैं इसमें जो मैंने मैदा का जो घोल बनाया था उसको लगाना है, इस तरीके से लगा दीजिए जिससे कि पूड़ी जो है हमारी अच्छी तरीके से एक दूसरे से चिपक जाए। अब इसको हमने इस तरफ से मोड़ दिया, फिर इसको उधर से मोड़ा, एक ये इसको हमने अपना फिलिंग कवर कर दी। देखिए बनके तैयार हो गया ना अच्छा सा स्प्रिंग रोल। आइए अब इसको हम आपको तलते हैं और फिर इसका आपको बताते हैं। देखिए मेरा जो गैस में मैंने कढ़ाई रखी है उसमें मेरा जो ऑयल है वो गरम हो गया है। अब हम इसकी आंच को मीडियम फ्लेम में रखेंगे और जो हमने अपना वेज रोल बनाया है उसको हम धीरे से फ्राई करेंगे। बहुत मीडियम फ्राई में रखेंगे क्योंकि धीरे धीरे अगर सिकेगा तो ये बहुत ही अच्छा सिकेगा।
देखिए धीरे धीरे सेकने से अंदर तक जो आटा जो हमारा मैदा है वो अच्छी तरीके से सेक जाएगा। ये देखिए ब्राउन हो गया। ऐसी सारे स्प्रिंग रोल को धीरे से सेक लीजिए। अब हमारे स्प्रिंग रोल अच्छी तरीके से सिक चुके हैं। अब हम अपने गैस को बंद कर देंगे और ये स्प्रिंग रोल धीरे धीरे हम अपनी प्लेट में निकाल लेंगे। निकाल लेते हैं, धीरे से निकालते हैं। ऑयल गर्म है और ये हमारा निकल गया। अब हम आइए इसको आपको आगे का प्रेस करते हैं। देखिए हमारा स्प्रिंग रोल जो है बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। इसको हम देखते हैं कि कितना, देखिए कितना क्रिस्पी बना हुआ है और बहुत ही टेस्टी इसमें स्टफिंग आई हुई है जो कि खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी। इसी तरीके से हम औरों का भी शेप में काट लेते हैं। इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से रखिए गेस्ट के सामने तो थोड़ा सा और भी प्यारा लगता है। और ये होममेड आपका स्प्रिंग रोल है तो खाने में भी अच्छा होगा, ना ज़्यादा कड़वा है ना ज़्यादा इसमें मसाला है और कोई नुकसान भी नहीं होगा। और इसे आप सॉस या ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और मुझे बताएं कि जो ये रोल बना है वो कैसा बनाया होगा। आप लोग भी बना के देखिए और मुझे बताइए कि जो मैंने आपको बताया है वो कैसा आपको लग रहा है। प्लीज़ थैंक यू।